नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। अथर्वा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने आईईई टेक्नोथॉन 2023 काइजेन में अपने दिमाग एवं हाथों की कला एवं तकनीकी से कई नए प्रोजेक्ट्स बनाकर यह देखिए शानदार टेक्नोफेस्ट लगाया हुआ है। इस तरह के आयोजन एवं प्रदर्शन से विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है एवं उनके हुनर को लोग अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। बच्चों द्वारा बनाए गए इन प्रोजेक्टों को लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। टीचर भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। पेश है खास दिस पर्टिकुलर इवेंट। एक्चुअली वी आर ऑर्गेनाइजिंग रेगुलरली सिंस फ्रॉम सो मेनी इयर्स। एक्चुअली वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस। द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थेरी टू प्रैक्टिकल, द वन बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वॉट यूजली यूनिवर्सिटी एंड ऑल टेक AICTE इज ऑल्सो वन सेकेंड इट इज इंसिस्टिंग फॉर ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज। सो दैट इज वाई द स्टूडेंट्स आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ए थेरी इन प्रैक्टिकल एंड इन अ क्लास। So their implementation to get a consider practical favor of that particular subject. So this is the much more needed in consider the event. So that is why Atharva is actually organizing such type of consider the competitions, such type of festival regularly for the benefit of the student. देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। दे हैव लाइक मैच्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस लेवल बिकॉज स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बने जो मैंने यू नो दिस इज गोना बी फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। इट्स रिलेटेड टू AI, टेक्निकल स्टफ, डेटा साइंस, क्योंकि ये सब अभी दिस इज गोना बी द फ्यूचर यू नो द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो ये ज़रूरी है। उन्होंने तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट्स बोले तो इनका मेरे तो सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट है जो पर्सनली एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक है ना एक स्पेक्स बनाना, एक सेंसर कि उनको मालूम पड़े कि कोई सामने आ रहा है। एंड सेकेंड सबसे मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था जो रोबोटिक का, क्योंकि रोबोट इज़ गोना बी देयर फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स अपने। तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। Myself Mystery Fizza from first year BSc Data Science. We are from Atharva College of Engineering and we are from first year BSc Data Science and we have created a virtual assistant to Python. It works like Siri, Alexa and Google Assistant. In our project we have made this virtual assistant with Python, JavaScript and C++ and given it a ChatGPT plugin. It actions in your device, like it can open any software in your device, access it through your voice command, and to send mails, write messages, and access all your data on your devices. First year BSc Data Science, Atharva Institute of Data Science. So, मेरा एक project है on automations of car. ये जितने ऑब्स्टिकल सामने रहते हैं उनको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। सो जब कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आएगा तो ये एक पर्टिकुलर वे देखेगा कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कौन सा इजी रहेगा। सो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे और अच्छे से काम करे, जैसे टेस्ला ने काम किया वैसे ही हम लोग का छोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन। सो हम लोग इसको थोड़ा और एनहांस करने का कोशिश करें जिसके थ्रू ये आगे ऑटोमेशन अच्छे से कर सके ताकि इंडिया के रोड्स पर चले। सो एज वंदे भारत ने किया हुआ है रेल ट्रैक पे, हम लोग चाहते हैं कि यही चीज इंडिया में रोड्स के ऊपर हो सके। ब्रिजेस एंड ऑल द बिल्डिंग्स अंडर वाटर एंड ऑल्सो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द अंडर वाटर यूजिंग कैमरास विजन। एंड अदर थिंग इज लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज टू इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स इन द सबमरीन, द पार्ट like the ballistic motors that we are going to actually produce on the large scale the in a working model. Instruments use nahi kiye hue hain, hum log ne bahut basic like syringe bahut easily available hota hai, aise cheezon se pura submarine ka project banaya hai. Fans wala hexacopter banaya hai. So this hexacopter if you see in the on the market mostly there are four fans available or four arms rehte hain. Humne yahan pe jaise aap dekh sakte hain these are six fans, yahan pe six propellers lage hain aur six fans laga hai. So what does this provides is this provides the most incredible stability than you see in the market. So six fans lagaye to 6 point of reference milega, that's why this provides more stability and the load carrying capacity is more. So this drone can be used to let's say koi military mein casualty ho gayi hai, koi borders pe casualty hai and we need to get supplies from the ground station to there quickly, so we can use this drone and we can send the supplies within 10-15 minutes of time because this will fly and go instead of vehicles going all the way around
ट्रैवलिंग।